हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 गांव बल्ली में दो परिवारों में हुए झगड़े के बाद एक परिवार के द्वारा रास्ता रोके जाने के मामले में दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। निवासी सुभाष ने बताया कि जिस रास्ते को बंद करने की बात की जा रही है वह अपनी मलकियत से होकर जाता है और मैंने कभी भी किसी को गाड़ी निकालने के लिए मना नहीं किया और जब दीवार लगाने से पहले कहा गया था कि अगर किसी को गाड़ी निकालनी है तो गाड़ियां निकाल लें, लेकिन उस समय गाड़ियां नहीं निकाली गई। उन्होंने बताया कि मेरे आंगन में भी दीप सिंह ने दीवार लगाई है, जिसके बाद ही उनके जाने के लिए रास्ते पर ईंटें लगाई गई हैं। सुभाष सिंह ने बताया कि इससे पहले भी दीप कुमार ने मारपीट की है, जिसमें काफी चोटें लगी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि मेरे आंगन के आगे दीवार लगाकर पहले शुरुआत की है और उसके बाद ही झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर इनकी गाड़ी आंगन में जाएगी तो मेरी भी गाड़ी आंगन में ही आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नगर पार्षद के सामने भी कई बार गाड़ी निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन उस समय गाड़ियां नहीं निकाली गई थी। गौरतलब है कि गत 3 दिन पहले बल्ली गांव में दो परिवारजनों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था और जिस पर पुलिस कार्रवाई भी हुई है, तो लड़ाई के बाद दूसरे पक्ष ने अपनी मलकीत भूमि से जाने वाले रास्ते पर ईंटें लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। अब इस मामले में दूसरे पक्ष ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी और न्याय की गुहार लगाई है। वो रास्ता रोक रखा है तो इन्होंने मेरा भी आंगन में द्वाल दे दिया। ठीक है जी, अगर ये गाड़ी इनकी है तो मेरी पिचाली में खड़ी है, वो कमेटी का रास्ता वो है, और जहाँ से ये बोलते हैं भाई कमेटी का रास्ता, वो कमेटी का रास्ता नहीं है, वो मेरे छज्जे के नीचे है। ठीक है जी, कहने आ गया या भाई मेरे से इन्होंने लड़ाई की, झगड़ा किया, मेरे को गाड़ी से मारना पड़े और जान से मारा, और मैंने मेडिकल कराया हुआ है, मैंने एयरपोर्ट रखाई हुई पुलिस थाने में। ठीक है जी, और मैंने कमेटी वालों ने जवाब मांगा था मेरे से, वो 22 तारीख को मैंने वहाँ जवाब दे दिया है। ये दीप कुमार का कहना है कि उनके खेत में आके आपने पिटाई की, क्या कहना? उनका मैंने ना कोई पिटाई की ना कुछ मैंने किया, उन्होंने खुद पिटाई की मेरे आंगन में, उन्होंने 1 फुट ऊंचा कर दिया, पानी रोक दिया मेरा, बरसात का पानी है जी, बस ये है मेरा, ये अपना पानी नीचे ले लेना, नीचे को जाता है पानी, नीचे ले लेना, मैं इनको जो वैसे बोलेंगे मैं कर दूंगा। और एक आपने एक और है, मेरी गाड़ी इसकी गाड़ी आंगन में जाएगी तो मेरी भी गाड़ी आंगन में भी जाओ, मुझे कोई इसमें नहीं। और जो तो गाड़ी निकालने के लिए मना कर रहे थे, मैंने कभी नहीं मना किया, प्रधान है, प्रधान से पूछ लो, मैंने बोला भाई ईंटों के साथ आपने हाथ नहीं लगाना, झगड़ा हो सकता है, मैं खुद निकालूंगा, आधी रात को बोलेंगे तो आधी रात को मैं निकाल दूंगा गाड़ी। और मैंने 3 बार बोला है, प्रधान बांध थे उनके सामने बोला हुआ है भाई गाड़ी अभी निकालो, तो इन्होंने मेरे को जवाब दिया भाई वो लड़का नहीं है घर पे, पहली बार तो ऐसे बोला। और दूसरी बार कल कितनी तारीख थी, संडे जो 24 कल 24 ना संडे जो 23 तारीख, 23 तारीख को इन्होंने आदमी लेके गए थे, उनके सामने भी बोला, मैं कह अभी गाड़ी निकालो जी आप, मैं अपने आप उठाऊंगा इटे और फिर मैं वैसे लगा दूंगा। ठीक है जी, या भाई अपने अपने खेत में दे दे और इसको प्रॉब्लम है कोई तो इंसान दे ले, और जैसे भी निकलेगा तो अगर जी मेरा छज्जा निकलेगा अंदर तो मैं उखाड़ने के लिए तैयार हूँ।